मान दरवाजा सी टूर्नामेंट में जाहिर मौसम में सांझी महिला पर बे जणा चार राउंड फायरिंग फरी करी अने फरार थई गया था। महिला ने इजा थता तेने सारवार माटे सिविल हॉस्पिटल में खसेड़ाई थी। महिला नो आर्मी मैन पति साथे छेल्ला चार वर्ष थी छूटा छेड़ा नो केस चालतो होय अने फायरिंग पतिए करावानी आशंका वच्चे पुलिसे तपास हाथ धरी छे। मूल महाराष्ट्र की वतनी और पति साथ छेल्ला चार वर्ष थी विखवाद ने पगले छूटाछेड़ा नो केस चालतो होय सूरत में मान दरवाजा सी टूर्नामेंट खाते पियर में रहेली 31 वर्षीय नंदिनी विनोद भाई मोरे आज सांजे 6:30 ना अरसा में भाणेज योगिता और अनेक महिला साथ दवाखाने थी परत घरे जती थी तेरे बंबागेट की पाछळनी गली में बाइक पर आवेला बे जण्या तेना पर चार राउंड फायरिंग करी फरार थई गया था। गणतरी नी क्षणों में थयेला फायरिंग में नंदिनी ने थापा डाबा हाथ अने छातीना बीजी बाजू नीचे इजा थता अने एक गोली तेना हाथना पंजामांथी आरपार निकली जता तेने तात्कालिक सारवार माटे हॉस्पिटल सिविल हॉस्पिटल में खसेड़ाई हती। सलाबतपुरा पोलिस स्टेशन में मान दरवाजा खाते सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में टेनमेंट आएगा है। ये टेनमेंट रस्ता पर एक फायरिंग की घटना बने ली है। फायरिंग एक नंदाबेन मोरे नामना महिला पर थेल है। परिवारजनों ने शंका है कि आमा एमना पति साथ अवारनवार एमना पति पर धमकी आपता था। पति अवारनवार छूटाछेड़ा माटे एमने दबाण करता था। हूँ तने जोई लेस एवी अवारनवार पर धमकीओ आपेली हती एवं परिवारजनों कहेवा छे। अने ए लोकोने डाउट छे कि अमारा पतिए नहीं तो पछी मारा पतिना कोई सागरितोए आ कृत्य करावेलू होई शके। अने आ अंदर अंदर पारिवारिक झगड़ो छे। बेनना अगाउ डिवोर्स नथी थया परंतु ए लोकोनी कोर्टनी मुदतो चालू छे। એમના પતિ નોકરી કરે છે એવી પ્રાથમિક ખબર પડી છે અને જે બહેનને ગોળી વાગેલી છે નંદાબેન મોરેની તબિયત સારી છે અને બિલકુલ સભાન અવસ્થામાં છે। ગોળી પગના ભાગે વાગેલી છે અને હાથના ભાગે વાગેલી છે હાલ એવી માહિતી ખબર પડેલી છે। पुलिस ने स्थल पर थी एक कारतूस मळी आवी हती। नंदिनी नो पति विनोद आर्मी में फरज बजावे छे अने हाल तो ते નાંદેડમાં છે અને તેમના લગ્ન વર્ષ 2010માં થયા હતા। જો કે પ્રેગ્નન્સી રહેતી ન હોય તેમની વચ્ચે વિવાદ શરૂ હતો અને 4 વર્ષ અગાઉ નંદિનીએ સુરત પિયરમાં આવી છૂટા છેડાનો કેસ કર્યો હતો। નંદિનીનો પતિ 8 દિવસ અગાઉ જ મુદ્દત હોય સુરત આવ્યો હતો। પોલીસની પૂછપરછમાં નંદિની અને પરિવારજનોએ અવારનવાર ધમકી આપતા વિનોદે અગાઉ અપહરણનો પ્રયાસ કર્યો હતો તેવું પણ જણાવી ફાયરિંગ તેણે કરાવ્યાની આશંકા વ્યક્ત કરી છે। બ્યુરો રિપોર્ટ, NTV News, Surat.